उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस के नेता कई बार मिले, बातचीत भी हुई, लेकिन सीटों पर कोई बात नहीं बन पाई। सीटों के एक तरफा ऐलान को लेकर भी तनातनी बढ़ गई। तमाम खींचतान के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आम्बेडकर एक नया प्रस्ताव लेकर सामने आए। उन्होंने सीधे कांग्रेस को ऑफर दे डाला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में प्रकाश आम्बेडकर ने लिखा, मैंने कल ही कांग्रेस के प्रभारी चेनीथला से सीट शेयरिंग के बारे में फोन पर डिटेल बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना पिछली बार जीती हुई 18 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच 10 सीटों पर समझौता नहीं हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस शरद गुट वाली एनसीपी और यूबीटी वाली शिवसेना के बीच अलग से 5 सीटों पर तनाव कायम है। उसी की वजह से एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांग्रेस को महाराष्ट्र में जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उस पर हम बैठकर बात कर सकते हैं। बाला साहब थोराट अगर मीटिंग की तारीख और समय तय करते हैं तो वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से दूर फेंकने के लिए साथ काम करने पर चर्चा कर सकती है। हर पार्टी ने अपनी खुद का निर्णय लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने आज निर्णय लिया। और जो खड़गे जी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको जो लेटर लिखा है हम लोग ने, उसको आज प्रेस में हम लोग ने रिलीज करवा दिया। भैया आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम आपके साथ में बैठने के लिए तैयार हैं। अब उनके यहाँ से क्या संदेश आता है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनके यहाँ से संदेशा नहीं आया तो फिर हम लोगों को जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन हम लोग लेंगे। प्रकाश आम्बेडकर के प्रस्ताव पर उद्धव गुट आग बबूला हो गया और प्रकाश आम्बेडकर को नसीहत दे डाली। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामध्ये कोणताही तिढा नाही हे मी आमचे मित्र सन्माननीय प्रकाश आंबेडकर यांना सांगू इच्छितो। तिन्ही पक्षात तिढा नाही आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी आमच्याबरोबर राहायला पाहिजे। संपूर्ण समाजात ही आमची भूमिका आहे आणि आम्ही त्यांना महाविकास आघाडीकडून 4 उत्तम जागांचा प्रस्ताव दिलेला आहे। 4 जागा आणि त्या जागा ज्या प्रकाश आंबेडकर यांनी आमच्याकडे मागणी केली होती त्यातल्या त्या 4 जागा आहेत। उधर शरद पवार गुट ने प्रकाश आंबेडकर पर सवाल को टाल दिया। ओपनली जब तक खत लिखते हैं और ट्वीट करते हैं तो महाविकास आघाड़ी में जो अनबन है साफ साफ बाहर आती है। आप कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, यही कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे जब से हमने काम साथ में शुरू किया है कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही अच्छा है। क्या मिस कम्युनिकेशन किसी को लग रहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं। हालांकि ये भी सच है कि 6 मार्च के बाद कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट में सीट शेयरिंग को लेकर एक भी मीटिंग नहीं हुई है। पिछले 2 दिन से सारे कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। शरद पवार बारामती में सुप्रिया सुले के लिए प्रचार में थे और उद्धव ठाकरे यवतमाल में रैली करते नजर आए। प्रवीण ठाकरे और धनंजय सावले के साथ अभिजीत करांडे, मुंबई आज तक।